तो आज मैं जा रही थी तीज पार्टी में। तो तीज पार्टी के लिए हम रेडी हो चुके थे, स्कूटी पे जा रहे थे हम तैयार होकर। स्कूटी से ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पार्टी में पहुंच चुके हैं। हमारा मेकअप अभी भी ठीक है, स्कूटी में ख़राब नहीं हुआ। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो आपको आ ही रहा होगा। तो हम गए थे ब्रेकिंग ब्रू करके, जहाँ पे हमें 700 पे करना पड़ा इस पार्टी में इंजॉय करने के लिए। तो हमने सोचा कि अगर पैसे पे करे ही है तो कुछ खा लिया जाए। तो भूख तो बहुत लगी हुई थी, इतना ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे थे तो हम खाने लग गए। तो किट्टी पार्टी जैसी ही थी, जैसे कि वहाँ पर गेम्स भी खिलाए जाते तो यहाँ भी हमने कुछ गेम्स खेली। तो पहली गेम जो थी ना, वो थी लाल और हरे से आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी थी, जैसे हरा धनिया, लाल चूड़ी। तो ऐसे करके आपको ये पेयर में जो है लिखना था। तो ये चेक कर रहे थे, ये टीचर बने हुए थे हमारे, जो मार्क्स दे रहे थे उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे विनर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये गेम तो पहली होगी। तो जो सेकंड गेम थी ना, वो थी तंबोला। तो हमने जो है ना सेकंड गेम में तंबोला भी खेली थी। तो तंबोला खेलने के बाद इन्होंने एक और गेम रखी थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, कि पेपर फोल्ड करके आपको डांस करना था। कपल डांस होता है ना, यहाँ पे कपल्स तो नहीं थे, यहाँ पे सारी लेडीज़ ही एक दूसरे की कपल बनी हुई थी। तो हमने ये भी बहुत इंजॉय किया। तो आप भी अपनी किट्टी पार्टी में ये रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा आप तीज क्वीन की भी गेम रख सकते हैं। तीज क्वीन मीन्स जो बेस्ट ग्रीन ड्रेसअप में आई होगी, जिसका प्रॉपर श्रृंगार भी हो रखा होगा, तो आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप हर टीम मेंबर्स को ये पहले से, एक दिन पहले से बता सकते हैं कि आपको एक माचिस की बॉक्स में जितना आप ग्रीन भर सकते हैं चीज़ें, वो आप उस छोटे से बॉक्स में भर के आइए। तो जो उस बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलेक्ट करके आएगा वो विनर हो जाएगा उस गेम का। तो अब आप बात करते हैं पार्टी हॉल की। तो ऐसा कुछ हॉल रखेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स भी आ सके, और डांस के लिए डीजे भी होना ज़रूरी है। और डेकोरेशन की बात करें तो झूला तो मेन होता ही है तीज पे, तो ये छोटा सा झूला भी रखा गया ताकि फ़ोटोज़ क्लिक हो सके। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बैलून गेम्स भी रख सकते हैं, बैलून से डेकोरेट भी कर सकते हैं। डांस करने के बाद लग गई थी थोड़ी भूख, तो भूख मिटाने के लिए मैंने थोड़ी सी स्नैक्स खा ली। उसके बाद जो है लंच स्टार्ट हो गया था, तो लंच मैंने ले लिया। ये 700 में मुझे अनलिमिटेड मिला था सब कुछ, और साथ में स्वीट डिश भी थी। स्वीट डिश में थी आइसक्रीम एंड ब्राउनी, जो मेरी फेवरेट है और मेरी बेटी की भी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और डिटेल्स जानने के लिए तीज की पार्टी के लिए कमेंट करें। बाय बाय।